शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट द आवर न्यू लेक्चर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर वी विल डिस्कस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड एंड अ लिटिल बिट एक्सेस। देन वी विल स्टार्ट टू डिस्कस ऑटोकैड, मैथकैड, देन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स। टुडे वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। वी विल ट्राई different problems, different practical problems to learn about this software. This is just an introduction to different softwares that may be used in the field of civil engineering. So Excel is the basic tool that is used in each and every field of civil engineering. In each and every field of any department. Today we will start how to open Excel, how to save Excel, how to work and different sheets of Excel. Let's start. किस तरह हम स्टार्ट करेंगे एक एक्सेल शीट को, किस तरह ओपन करेंगे, किस तरह रन करेंगे, किस तरह उसमें काम करेंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो एक न्यू एक्सेल शीट को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। या तो इस तरह करें कि राइट क्लिक ऑन माउस बटन एंड देन यू लुक Microsoft Excel worksheet. Just click on this and a new sheet will appear in the in your computer. अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। Suppose मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्रायल वर्क। Suppose ये आपका एक फाइल जो है, एक्सेल फाइल जो है, वो सेव हो गया। अब इसको किस तरह ओपन करेंगे, जस्ट ओपन दिस। ये हमारे पास एक न्यू शीट जो है, ओपन शीट जो है, बिल्कुल ओपन हो गई। ये इसको हम कहते हैं एक्सेल। इस तरह मैंने ऑलरेडी इसमें एक एक्सेल शीट बनाई है, उसका नाम मैंने रखा है पीक डिस्चार्ज डेटा। ये इस तरह एक एक्सेल शीट है, अगर आप देख ले तो ये एक एक्सेल शीट मेरे पास है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले जस्ट इसको हम इंट्रोडक्शन इसकी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वन इज दिस बार, आप देख सकते हैं फाइल है इसमें। अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन होम है, देन इंसर्ट है, देन पेज लेआउट है, देन फार्मूलाज है, देन डेटा, देन रिव्यू, देन व्यू, देन डेवलपर एंड देन नाइट्रो। तो ये दोनों जो है ये आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करेंगे ओपन से, होम से। होम में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। इसको कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये जो पूरा एक विंडो है ये आप देख सकते हैं। बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, और इस तरह ये अब इसमें देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन जो है, डबल अंडरलाइन भी है, सिंगल अंडरलाइन भी है,
ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की बॉर्डर्स है, इसे हम जब टेबल बना रहे होते हैं तो ये हम उस टाइम जो है ये हम यूज़ करते हैं। ये अब वन बाय वन हम यूज़ करेंगे और आप देख सकते हैं, लेकिन ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। आप पहले ये सारा कुछ आपको इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह ये वन बाय वन जो है वो यूज़ करेंगे। ये जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के फॉन्ट्स फॉन्ट्स है, जो राइटिंग जो स्टाइल है ये आप इस राइटिंग स्टाइल को देख सकते हैं। तो ये अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कैलिब्री में होता है, लेकिन आप इसको अगर किसी और स्टाइल में आप लिखना चाहें तो ये उस स्टाइल में हो सकता है। आप देख सकते हैं इसको, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, फिर जो राइटिंग आपने की है उसकी साइज़ अगर आप चेंज करना चाहें, ये आप देख सकते हैं, ये 16, 18, 20। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप देख सकते हैं कि ये जब मैं इसका जो साइज़ है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 11 है, अगर 11 से 12 तक 14 तक ये जाता है तो फिर ये हमारे पास ये जो हैशेस है मुख्तलिफ़ किस्म के, वो टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाता है, लेकिन ये हैशेस सामने आ जाते हैं। तो ये क्यों, सपोज़ मैंने इसको इसका साइज़ जो है वो 12, 14 कर दिया, ये अब हैशेस में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरह के ये इसका साइज़ जो है वो इस सेल में जो वो नहीं आ रहा, तो इसको हम सिंपली यहाँ से यहाँ ये जो इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ से डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो ये ठीक हो जाए। सपोज़ हम इसका जो है वो दोबारा चेंज कर देते हैं 11 में। इस तरह अब ये जो साइज़ है, ए बड़ा लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो उसी साइज़ में होगा, 11 में होगा, लेकिन ये आपको बड़ा नज़र आएगा। ये आप देख ले, ये आपको बड़ा नज़र आएगा, और ये अगर आप इसको चेंज कर दें तो ये वन पॉइंट जो है ये आपको वन पॉइंट जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा या वन पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह यहाँ से हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कलर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी सेल को कलर देना चाहें तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से उस सेल को जो है वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये इस कलर में और इसमें ये फ़र्क है, इस कलर में और इस कलर में ये फ़र्क है कि ये जो है ये सेल का कलर होता है, फिल द कलर। ये जो पूरा सेल है, इस पूरे सेल में आपने जो कलर देना है वो यहाँ से करेंगे फिल कलर में, और ये जो है ये फॉन्ट कलर, मतलब आपने जो टेक्स्ट स्टाइल है उसकी उसका कलर जो है वो चेंज करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट का जो कलर है ये चेंज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा, ये जो टॉप अलाइन है इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। ये तीनों जो है ये अलाइनमेंट है, ये वर्ल्ड में भी यूज़ होता है और यहाँ पे भी यूज़ होता है। सपोज़ आपने जो सपोज़ मैं इसका जो सेल साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, या आप इस तरह किस तरह करेंगे, ये राइट ये लेफ़्ट माउस से आप इसको होल्ड करके इसको ड्रैग करेंगे, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब इस टेक्स्ट को मैं या सेंटर में लेना सेंटर में, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो हर कॉर्नर से ये सेंटर में हो जाएगा, या देख सकते हैं इसको, या अगर आप बिल्कुल टॉप पे करना चाहते हैं ये टॉप पे आ गया, अगर आप बॉटम में करना चाहते हो ये बॉटम में आएगा, अगर इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं तो ये सेंटर में आ गया, और ये आप देख लें बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आप इसको करना चाहें तो ये यहाँ से और यहाँ से ये सेंटर में आ गया, तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। ये वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, ये एक्सेल में जो है वो यूज़ नहीं होता। अच्छा, अगर आपने कोई इसमें कोई गलती कर दी और आप दोबारा जो स्टेप्स आपने की है उसको दोबारा जो है वो आप अंडू करना चाहते हैं, कि मतलब
उसमें आपने कोई गलती की है, आप उसको दोबारा रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इस तरह करें, कंट्रोल जेड पे दोबारा जाएं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड पे, ये आपका कंट्रोल जेड पे दोबारा अगर हम जाए तो ये उसी पॉइंट तक वापस जाएगा जहाँ से हमने इसमें चेंजेस करना शुरू कर दी थी। अच्छा, या उसके बाद जो है ये दो चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं रेप टेक्स्ट और इसको कहते हैं मर्ज इन सेंटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैंने ये जो ये स्टेटमेंट लिखा है, इंडस रिवर एट अटक खैराबाद गेज स्टेशन फॉर ईयर 1970 to 2016, इसका हमने इसका इस तरह करना है कि ये जो ये एक सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इस पांचवे सेल्स को हमने एक सेल बनाना है और ये आपको शो होना है कि ये एक ही सेल में ये पूरा पांच सेल जो है ये एक सेल आपको शो हो जाए। तो ये किस तरह हम करेंगे, ये हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आप देखेंगे, ये हम इन दो ऑप्शन से हम इसका वो हम करेंगे। इस तरह ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस है, हाईलाइट सेल रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, और ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। सपोज़ मैं हाईलाइट सेल में वो इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें यह है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, डेटा अकरिंग है, डुप्लिकेट वैल्यूज़ है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होते हैं। अगर आपने सपोज़ उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है जो सपोज़ 48 सपोज़ आप इस सेल को देख लें कि हमारे पास जो है 49 है, सपोज़ ये वैल्यू है, आप उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दें जो 49 से एक्सीड हो रहा है, तो आप इस सेल इस जो की है इसको आप यूज़ करेंगे, इसमें आप लिखेंगे ग्रेटर देन 49, तो ग्रेटर देन 49 जितनी भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह लेस देन, अगर सपोज़ आपने उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, उनको कलर देना है, उनको हाईलाइट करना है कि जो आपके पास जो है वो 49 से लेस देन है या इन बिटवीन है या इक्वल टू है, ये सारा आप उसमें देख सकते हैं। सपोज़ मैं कह रहा हूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि डुप्लिकेट वैल्यूज़, डुप्लिकेट का मतलब यह होता है कि एक वैल्यू जो है वो दो बार या तीन बार या चार बार जो है वो रिपीट हुआ है। सपोज़ 49 एक नंबर है और ये 49 नंबर जो है ये तीन मरतबा या चार मरतबा जो है वो रिपीट हुआ है। सपोज़ यहाँ पे भी 49 है, इस तरह यहाँ पे भी 49 है, लेकिन ये 49.5 है। इस तरह अगर आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम कहीं पे देख ले कोई वैल्यू जो है वो अगर रिपीट हुआ है। अच्छा ये इस तरह भी है कि सपोज़ आपने आपके पास एक पूरा डेटा है, ये इसको हम डेटा कहते हैं, ये सारा जो है इसको हम डेटा कहते हैं। डेटा कहाँ से आता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई कहीं से सर्वे करते हैं तो वहाँ से जब हमारे पास रीडिंग्स आती है तो उस रीडिंग्स को हम एक्सेल के शीट में यहाँ पर एंटर करते हैं, तो ये एक डेटा के फॉर्म में आ गया। तो इस डेटा को अगर ये डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो फिर हम ये नहीं करेंगे कि इसमें देखेंगे कि हम देखेंगे कि 49 या 47 जो है वो कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। सपोज़ एक वैल्यू जो है ये, सपोज़ ये वैल्यू है, इसको रीड करना मुश्किल होता है कि 546200, इसको याद करना आपको फिर याद करना पड़ेगा कि 546200, फिर मैं देखूंगा कि इसमें कितनी मरतबा ये वैल्यू जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसके लिए आसान हल ये है कि हम यहाँ से इसको यहाँ से हाईलाइट सेल में जाएं और यहाँ से डुप्लिकेट वैल्यूज़ की मदद से हम इसमें आसानी से वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि सपोज़ आपने इस सेल में जो है वो डुप्लिकेट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इस सेल पे आप क्लिक करेंगे। किस तरह क्लिक करेंगे? यहाँ से ये कॉलम है, ये कॉलम जो है हम ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कॉलम आपने सेलेक्ट की है। तो इसके बाद आप जाए यहाँ से हाईलाइट सेल और यहाँ से
डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है कि आप जो ऑप्शन रन करना चाहते हैं उसका नाम है डुप्लीकेट, और जो वैल्यू अगर आपके पास डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मींस आपके पास रिपीट हो रहा है, तो उस वैल्यू को आपने लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट करना है, कि आपने उस टेक्स्ट को उस जो राइटिंग उसमें लिखा हुआ है, जो नंबर उसमें लिखा हुआ है, उसको आपने रेड करना है, और वो जो पूरा सेल है उसको आपने रेड करना है, उसको लाइट रेड करना है, उस पूरे सेल को भी लाइट रेड करना है, और जो टेक्स्ट है उसको भी लाइट रेड डार्क रेड करना है। तो ये अगर हम ओके कर दें तो आप अगर देख सकते हैं। अच्छा, ये भी एक फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि हम जब डुप्लीकेट फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउन एरो से हम देखेंगे कि कितनी इसमें डुप्लीकेट्स आ रही हैं। तो इसके लिए आसान हल ये है, उसके लिए एक अलग ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर की मदद से हम फिर डुप्लीकेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? ये फ़िल्टर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको फ़िल्टर कहते हैं, शॉर्ट एंड फ़िल्टर। ये अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ से फ़िल्टर, ये फ़िल्टर आ जाएगा, इसको हम फ़िल्टर कहते हैं। ये अच्छा, आपने फ़िल्टर जो है ये हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि फ़िल्टर जो है आपने हेडिंग जो वैल्यू है उस पे आपने फ़िल्टर लगाना है। ये इसका हेड जो है वो, इसको हम सीरियल नंबर कहते हैं, इसका ईयर्स गेज ये, और पीक डिस्चार्ज पर रिमार्क्स। सपोज़ आपने सिर्फ एक जो कॉलम है उस पे फ़िल्टर लगाना है, या आपने जो पूरा ये रो है इस पे फ़िल्टर जो है वो लगाना है, तो दोनों हम कर सकते हैं इस पे। सपोज़ मैंने पूरे जो रो है उस पे वो फ़िल्टर लगाना है, तो वो आपने यहाँ से क्लिक करना होगा, ये जो बिल्कुल कॉर्नर है यहाँ से क्लिक करना होगा, तो ये पूरा जो रो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये करना चाहें कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें तो ये भी ठीक है, या ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दें ये भी ठीक है, या इस तरह करें कि माउस लेफ़्ट जो बटन है माउस का वो क्लिक करके, और इस तरह ये आप इस तरह ड्रैग करके आप ये भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एनी मेथड से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर फ़िल्टर पे जाएं और यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट कर दें, तो ये आपके पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो है ये आपके पास नज़र आ जाएंगी। ये आप देख लें, ये बॉक्सेस जो है वो आपके पास नज़र आ जाएंगे। तो फिर आप इस बॉक्स पे क्लिक करके, एक छोटे से बॉक्स पे क्लिक करके इसको फ़िल्टर बाय कलर पे ले आए, फ़िल्टर बाय कलर, कि हमने फ़िल्टर करना है कलर पे, ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक पूरा एक समरी इसका आपको आ जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो आपके पास रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख लें कि हमारे पास जो सेल कलर है, बैकग्राउंड है, वो लाइट रेड हो गया, और जो उसमें जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रिपीटेड वैल्यूज़ है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। सपोज़ मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप इस तरह करें कि डिलीट बटन पे जाएं, आपने ये वैल्यू जो है वो डिलीट कर दी, तो उसके साथ जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी ये उसका डुप्लीकेट था, ये पहले जो मैंने सेल डिलीट कर दी ये दूसरी का डुप्लीकेट था। जैसे ही आपने ये पहले वैल्यू जो है वो डिलीट कर दी तो उसका जो डुप्लीकेट था वो बिल्कुल उसका कलर जो है वो रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड पे जाए, ये वैल्यू आपके पास, ये जो ऑप्शन जो मैंने ऑप्शन रन की थी वो दोबारा रिकवर हो गई। तो इस तरह हम फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर अच्छा दोबारा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि फ़िल्टर हम किस तरह करेंगे, फ़िल्टर वैल्यू को फ़िल्टर किस तरह करेंगे, और डुप्लीकेट जो है उसमें किस तरह फाइंड करेंगे। तो सिंपल ये है कि सपोज़ मैंने इस जो फील्ड में या इस ये आपका जो कॉलम है इसमें मैंने डुप्लीकेट फाइंड करनी है, तो ये बी कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दी, तो यहाँ से अब जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स हैं, वहाँ से जाए डुप्लीकेट वैल्यूज़ में,
डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आपके पास ये विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। यहाँ से ओके कर दें तो आपके पास जो है ये डुप्लीकेट आपका ऑप्शन जो है वो रन हो गया। उसके बाद अगर आपने फ़िल्टर लगाना हो तो फ़िल्टर, अगर आपके पास ये बॉक्सेस नहीं है इसमें, जिसका मतलब है इस पर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, अगर ये बॉक्सेस है तो इसका मतलब है यहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है। तो अगर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। किस तरह, यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ से है, और ये आप क्लिक कर दें तो आपके पास जितने भी बॉक्सेस है उस पर ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो है ये नज़र आ जाएंगे। उसके उससे आप क्लिक कर सकते हैं, इस छोटे बॉक्स पे आप क्लिक कर दें तो आपके पास ये, अच्छा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये कॉलम है एयर्स का जो कॉलम है, इसमें डुप्लीकेट, इसमें रिपीटेड वैल्यू जो है वो नहीं है। इस क्यों नहीं है, हमें कैसे पता चला? हमें इस तरह पता चला कि फ़िल्टर बाय कलर जो है ये अब शो नहीं हो रहा हमें। अगर ये शो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें वैल्यूज़ जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं। अब यहाँ इस पे आप क्लिक कर दें, ये आप इसमें डुप्लीकेट फाइंड करना चाहें तो ये हाईलाइट सेल और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो इसको ओके कर दें। तो अगर आप इसको, इस पे फ़िल्टर लगा हुआ है, अगर आप इसको फ़िल्टर बाय कलर देख लें तो ये आपको शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज़ इस तरह है कि वो रिपीट हो रहे हैं। इसको हम, अच्छा अब ये फ़िल्टर जो है इसको आपने ख़त्म करना चाहे, मतलब ये तो आपके पास जो जितना भी डेटा था ये तो मतलब वो आपको शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से दोबारा क्लिक करके इसको क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम गेज आप कर सकते हैं। आपने जो फ़िल्टर जो है वो इसको ख़त्म कर दिया। तो ये इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई कॉलम सेल जो है, आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई पूरा रो जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं किसी सेल को, डिलीट कर सकते हैं किसी रो को, डिलीट कर सकते हैं या पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बजाय अगर हम यहाँ से ये यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें एक पूरा सेल जो है वो, कॉलम जो है वो ऐड करना चाहें। तो किस तरह करेंगे, आप पहले उस, अगर इस कॉलम से आपने सामने वाले कॉलम को ऐड करना है, इसमें एक अलग कॉलम जो है वो ऐड करना है, तो किस तरह करेंगे? इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट पे जाए तो ये, अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास कॉलम जो है इसमें न्यू कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने पूरा जो रो है, एक पूरा रो इसमें इंसर्ट करना है, तो अगर आपने रो इंसर्ट करना है तो इस यहाँ रो पे आए और यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाए तो ये आपके पास एक पूरा रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको आपने डिलीट करना है तो किस तरह करेंगे, इस रो को आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट पे आप जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की शॉर्टकट्स हैं। ये यहाँ से अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ये आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसमें दो तीन कॉलम्स ऐड करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं इंसर्ट। उसके बाद यहाँ से दोबारा इंसर्ट करना चाहें तो दो तीन कॉलम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये है कि इसमें आपने राइटिंग किस तरह करनी होती है, तो सिंपल इसमें यह है कि आप जस्ट टाइप इस पर करें, टाइप सपोज़ इसमें आप कोई वैल्यू लिखे नेम, तो आपके पास एक ये इसका हेडिंग हो जाएगा। ये इसमें लिखे एज, ये आपके पास एक अलग जो है वो रीडिंग हो जाएगी। तो इसमें फिर आप एंट्री कर सकते हैं, एंट्री इसमें अगर आप कह, इसमें आप नाम लिख लें, अच्छा अगर आप इस सेल में कोई नाम लिख के, तो यहाँ से इस सेल में आप किस तरह आएंगे, जस्ट एंटर करें, एंटर पे ये दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाता है, दूसरे सेल में ये शिफ्ट हो जाता है। फिर राइट, और ये आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एंटर से नहीं, आप ये जो एरोज़ है आपके पास उससे भी आप कर सकते हैं। जो एरोज़ हमारे पास हैं, राइट एरो है, लेफ्ट एरो है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये आप इसे कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये जो तीन नाम यहाँ पे लिख ले, इसका एज जो है सपोज़ आपके पास 30 है, इसका 25 है, इसका 20 है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, रिमार्क्स मुख्तलिफ़ किस्म की आप टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं।
तो ये एक न्यू एडिशन आप इसमें टेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, सपोज़ इस टेक्स्ट को आपने चेंज करना है ये, अच्छा हम ये पूरा जो टेबल है अगर आप इसको एक अलग टेबल इससे बनाना चाहते हैं तो ये अब इस तरह करेंगे, इसको इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, किस तरह करेंगे, यहाँ ये इस सेल में पहले आ जाए, फिर माउस के का जो लेफ्ट जो बटन है वो आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर दें, ड्रैग कर दें, इसको ड्रैग कर दें, इसको ड्रैग कर दें, इसको ड्रैग कर दें। ये आपने करना है किस तरह है कि माउस का जो लेफ्ट बटन है वो आपने क्लिक करना होता है, वो आपने होल्ड करना होता है और पूरा जो सेल्स है वो आपने इसमें ड्रैग करना होता है। ये आपके पास आ गई ये पूरा टेबल आपका। सपोज़ इसमें आपने ये करना, अगर आपने ये करना है कि इसमें कोई ये जो लाइंस है ये आपने शो करने हैं, तो ये लाइन किस तरह शो होंगे, अच्छा ये है कि आपके पास जो ये टेबल अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें किसी पेज पे प्रिंट करना चाहें तो वो जब आप इसको प्रिंट करेंगे किस तरह करेंगे, ये कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं, दूसरा भी कोई ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं, जो फाइल में आप देख सकते हैं फाइल से आप इसमें इसको यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। जब आप ये टेबल जो है वो प्रिंट करेंगे तो इसमें इशू ये आएगा कि इसमें लाइंस जो है वो आपको शो नहीं होंगे, तो आप लाइंस को अगर आप इस तरह करेंगे कि आपको लाइंस को जो है वो आप शो करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से करेंगे, ये आप यहाँ से करेंगे तो ये आपके पास लाइंस जो है वो शो हो रहे हैं। अब ये है कि यहाँ से आपके पास ये बॉर्डर भी शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से ये जो आपके पास जो नाम है ये आप सेंटर में ले आना चाहते हैं तो ये आप सेंटर में भी ले आ सकते हैं, या आप यहाँ से भी सेंटर में ले आ सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको मुनासिब समझे। ये अच्छा ये पूरा एक टेबल जो है ये आपने बना लिया, तो इस पूरे टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ से कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स अगर आप कहना चाहें कि ये जो मेरे पास जो टेबल है ये मैं यहाँ से डिलीट करके या कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहूँ तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप या इस तरह करें कि यहाँ ये टेबल जो है या इस जगह पे भी हो और दूसरी जगह में ये कॉपी हो जाए तो किस तरह कॉपी करेंगे और किस तरह कट करेंगे, ये आप सपोज़ ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं तो ये पहले सेलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल सी पे जाके कंट्रोल सी जब आप प्रेस करेंगे तो ये जो लाइन्स हैं आपको इस तरह शो हो जाएंगी, इसका मतलब है कि ये कॉपी हो गया। अब या तो इस तरह करेंगे कि दूसरी वर्कशीट में आप पेस्ट कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमने दूसरा शीट बनाया है उस पर आप जाके कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया, ये आपके पास ये एक टेबल पूरा टेबल जो है वो आपके पास बन गया। इस तरह हम कहीं पे भी ये कंट्रोल सी पे भी कर सकते हैं और कंट्रोल वी पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा इसका ये टेबल बन गया इसका। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास इंसर्ट है, इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसमें पायोट टेबल है, हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि पायोट टेबल का क्या मतलब है, पायोट टेबल किस तरह यूज़ होता है, फिर उसके बाद जो इसमें टेबल्स अगर आपने ऐड करने होते हैं, पिक्चर आपने कोई किसी कहीं पे आपका अपना पिक्चर है वो आपने ऐड कर दिया या किसी और का पिक्चर जो है वो, सपोज़ ये मेरे पास एक पिक्चर है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट कर दे, ये आपके पास एक पूरा पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो गया। ये अगर आप इस तरह करें कि इसको इसका साइज़ जो है वो आप छोटा करना चाहते हैं तो ये इसको भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसको एनी साइज पे भी मैं
ले जा सकते हैं। ये आपके पास एक पिक्चर जो है वो आ गई, या यहाँ कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, इसका कलर में भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकता हूँ। इसमें ये फिर पिक्चर की सेटिंग होती है, इसमें वो आप यहाँ से फिर डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंसर्ट में और क्या क्या होता है? इंसर्ट में आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ग्राफ्स वो भी बन सकते हैं। सपोज़ ये डेटा है हमारे पास, ये आपके आपका जो डेटा है, ये डेटा पहले ही आप सेलेक्ट कर दें। आप इससे अगर पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, अगर आप इससे ये चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं, अगर आप इससे लाइन बार जो है वो बना, पॉइंट्स जो है वो स्केटर प्लॉट जो है वो बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, एक दो तीन, तीन नंबर्स हैं। एक का जो एज है वो 30 है, नंबर फर्स्ट का, नंबर सेकंड का जो है वो एज 25 है, और नंबर थर्ड का जो एज है वो 20 है। ये आप पॉइंट पे देख सकते हैं, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये 30 पे है, इसका एज जो है वो 25 है, और इसका एज जो है वो 20 है। सपोज़ मैं ये इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं इसको एक लाइन बनाना चाहता हूँ, तो ये अगर आप सिंपल इसको ये ग्राफ जो है किस तरह रिमूव करेंगे, ये राइट क्लिक करके इसको सिंपल कट कर दें तो ये आपके पास ये ग्राफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या इसको हम दोबारा लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे ही आपके लिए यहाँ से ये एक लाइन ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। फिर इस ग्राफ में भी हम चेंजेस कर सकते हैं, वो ग्राफ में एक अलग लेक्चर होगा ये कि ग्राफ में जो चेंजेस है वो हम किस तरह करेंगे, इसमें कौन कौन से चीज़ें वो हम ऐड करेंगे, कौन से इसको निकालेंगे, इसमें ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होते हैं वो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, हेडर एंड फुटर है, ये वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, और पावर पॉइंट में भी होता है। हेडर एंड फुटर का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने कहीं से रिसर्च पेपर जो है वो या कोई थीसिस वगैरह लिखनी है तो उसमें आपके पास जो है वो हेडर होना चाहिए या इसका फुटर जो है वो होना चाहिए। तो वो अगर आप अपना जो थीसिस है वो लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर है जो आप लिख रहे हैं तो उस हर एक उसमें अगर आप ये करना चाहें कि उस पर आप पेज नंबर दे दें तो वो भी आप कर सकते हैं कि हर एक पेज पे आप अपना एक नंबर सीरियल नंबर दे दें, या उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि हर एक सीरियल पे हर एक पेज पे आपका नाम उसके साथ हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं उसमें क्या हर एक पेज पे आपका नाम शो रहा हो। तो आप एक जगह पे लिख लें फुटर पे तो हर एक के पेज के एंड पे आपका नाम ज़रूर होगा उसमें। अच्छा, इसमें हम इक्वेशन, आप ये देखें इसको हम इक्वेशन कहते हैं। अगर आप एक्सेल में कोई मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फार्मूलाज हैं वो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से जो फार्मूला है वो सपोज़ एक फार्मूला है वो इसमें नहीं है, इस शीट में नहीं है, तो आप वो एक न्यू इक्वेशन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। सपोज़ मैं ये इक्वेशन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप एरिया का इक्वेशन जो है वो यहाँ इस सेल में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक न्यू इक्वेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो इक्वेशन जो है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये इसका यूज़ जो है वो वर्ड में आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी इसकी। अच्छा, इसके बाद सिंबल्स हैं। सपोज़ आपके पास जो है वो एक वेरिएबल है, उसका सिंबल आप लिखना चाहते हैं। सपोज़ टम्परेचर आपने निकली तो उस टम्परेचर के साथ आपने डिग्री सी जो है या फारेनहाइट जो है वो लिखना चाहिए, तो उसके साथ आपने एफ़ लिखना है या सी डिग्री लिखना है, या सपोज़ आपके पास जो है वो चेंज आ गई, चेंज के लिए हम डेल लिखेंगे या अल्फ़ा लिखेंगे, या डेंसिटी का जो है या पाई है या आप लिखेंगे,
समेशन का निशान है आप लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे? सिंपली आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये सिंबल्स है, इसके साथ अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहें। अच्छा, ये इसमें इस तरह है कि सपोज़ आपने ये सेल सेलेक्ट कर दी पहले और फिर उसके बाद ये सेल सेलेक्ट कर दी। सपोज़ ये एक टेक्स्ट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है आपने, या इस यहाँ से देखें, सपोज़ मैंने इसमें कुछ एक टेक्स्ट जो है वो लिख लिया। अब इसको मैंने दूसरे सेल को सेलेक्ट कर दिया, जब इसमें मैं दोबारा जाऊंगा तो इसमें जब मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो वो जो पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखें, ये पहला वाला जो टेक्स्ट था वो ख़त्म हो गया। इस अगर आप इसमें इस तरह करेंगे कि इसमें सपोज़ इसको मैं ओवरराइट करना चाहता हूँ, इसमें मैं सपोज़ इस नाम को मैं, इसमें कुछ चीज़ें मुझसे रह गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको आप पहले डबल क्लिक इस पर करेंगे। डबल क्लिक जब मैंने इस पर कर दिया तो इसके साथ मैं अगर लिखूँ शिफ्ट एम डॉट, तो इसके साथ मैं फिर इसमें एडिशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ सेल को सेलेक्ट कर दें, एक सिंगल क्लिक पे सेलेक्ट कर दें, तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो वो पहला वाला जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें ये चीज़ है, ये आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद जो है पेज लेआउट है। पेज लेआउट में ये है कि अच्छा, ये आपको वर्ड में भी कॉपी जो है वो दरकार होगी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की फॉन्ट साइज़ है वो आपको चाहिए होगा। इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स मींस कि आपने ये आपको ऑफिस में ज़रूरत होगी आपको। सपोज़ मैंने जो स्लाइड्स बनाई है उस स्लाइड का जो मोशन है वो किस तरह होगा। ये मार्जिन्स है, मार्जिन का मतलब ये है कि ये आपको ज़रूरत होगी प्रिंट पे। अगर आप कोई किसी डेटा को, किसी टेक्स्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको हम कितना मार्जिन देंगे, तो ये मार्जिन मींस के हर एक पेज के ऊपर कितना स्पेस होगा, राइट साइड पे कितना होगा, लेफ्ट साइड पे कितना होगा और बॉटम पे कितना होगा, ओपन स्पेस कितना होगा, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन है, ये आपको ज़रूरत होगी प्रिंट में। जब आप प्रिंट करेंगे किसी पेज को तो वो पोर्ट्रेट पे होगा या लैंडस्केप पे होगा। ये अगर आपका जो टेक्स्ट है ये आप ख़ुद देख लें, मेरे ख्याल में ये इसका, अगर आपका जो प्रिंट है वो बिल्कुल सीधा पेज इस तरह प्रिंट करना चाहते हैं तो आपका जो डेटा है वो इस तरह प्रिंट होगा। अगर लैंडस्केप पे आप करना चाहें तो आपका जो टेबल है वो इस तरह शो होगा आपको, ठीक है। इस तरह ये सारा कुछ जो है। अच्छा, ये जो रीजन है ये आप यहाँ से आप स्केल डाउन स्केल अप भी कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास जो अगर आप किसी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं एक्सेल से तो ये वैल्यू आपने बढ़ाना होगा। अगर ये आपका पास आपकी आपका ये स्केल जो है ये कम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट साइज़ होगा वो कम होगा, आपको फिर नज़र नहीं आएगा प्रिंट के बाद, आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद फार्मूलाज़ हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला है, वो आप देख सकते हैं कि सम है, एवरेज है। अगर आप किसी डेटा का सम निकालना चाहे कि मेरे पास जो ये पूरा टेबल है या पूरा रो है या कॉलम है इसका मैं सम निकालना चाहता हूँ, इसका एडिशन मैं करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं, या इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद सम है, एवरेज है, एफ है, ये इस तरह ये फाइनेंशियल वाले यूज़ करते हैं ये सारा। लॉजिकल है, एफ एंड और ट्रू नॉर, ये लॉजिकल है। इस तरह टेक्स्ट है, इस तरह डेट एंड टाइम है, और ये सारा कुछ ये फॉर्मूलाज में यूज़ होता है। उसके बाद डेटा है। अच्छा, अगर इसमें एक ऑप्शन फ़िल्टर का भी यहाँ पे भी है, वो सपोज़ आप यहाँ से फ़िल्टर करना चाहते हैं, इस दो ऑप्शन पे आपने फ़िल्टर लगाना है, दो हेडर्स पे आपने फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, ये अब ये फ़िल्टर जो है हम किस तरह रिमूव करेंगे, तो ये आप रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं।
अच्छा ये आप इस तरह करेंगे, इसको यहाँ से वापस क्लिक करके ये रिमूव होगा। अच्छा यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसमें क्या फ़र्क है? रिमूव डुप्लीकेट्स में और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिंपली ये फ़र्क यह है कि ये आपका आपके पास जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको डायरेक्टली रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें इतने डुप्लीकेट्स हैं और इसको हमने हाईलाइट कर दी। वो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है वो आपको हाईलाइट हो जाएंगी, पहले उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड कलर है वो लाइट रेड हो जाएगा और टेक्स्ट कलर जो है वो डार्क रेड हो जाएगा। लेकिन रिमूव डुप्लीकेट्स में इस तरह ये होता है कि ये डायरेक्टली जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद व्यू है और ये सारा कुछ इसमें आएगा। अच्छा डेवलपर जो है ये किस लिए यूज़ होता है? इसको इसमें एक ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं मैक्रोज और विजुअल बेसिक्स। विजुअल बेसिक और मैक्रोज में क्या हम करते हैं? मैक्रोज हम इसे कहते हैं कि सपोज़ आपके पास है जो डेटा है जिसमें आप जिस पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो जब उस डेटा में कोई एक फंक्शन आप करना चाहे, सपोज़ आपके पास 100 नंबर्स ऑफ कॉलम्स है और 100 नंबर कॉलम जो है वो आपने हर एक कॉलम की आपने एडिशन करनी है, उसको सम करना है। तो आप इस तरह करें कि एक मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड कर दें। मैक्रो में ये कहते हैं कि इसको हम एक इसमें हम एक एडिशन एक कॉलम का जो है वो एडिशन हम करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर उस रिकॉर्ड को रन करके वो जो पूरा जो हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं उस पे रन करके वो सारा कुछ जो है वो खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। इस तरह विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक जो आप ये काम कर रहे होते हैं, जिस तरह आप एडिशन करते हैं, जिस तरह आप इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सारा कुछ एक्सेल में हम जब करते हैं तो ये इसके बैक एंड पे कुछ कोडिंग है, कुछ कोड्स रन हो रहे हैं और उस कोड्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स दे रहा है। तो वो जो बैक एंड पे कोड्स है उस वो कहाँ पे रन हो रहे हैं? वो विजुअल बेसिक पे रन हो रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप एक अलग शीट जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ इस प्लस निशान को यहाँ क्लिक करके आपके पास ये शीट 2 आ गई, तो ये आप यहाँ पे भी आप वही सेम जो चीज़ें हैं वो आप रन कर सकते हैं, या इसको आप एक नाम भी दे सकते हैं। सपोज़ इसको मैंने एक नाम दिया, या इसको नाम भी दे सकते हैं, इसको भी आप एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक नाम दे रहा हूँ। तो ये आपके पास हाउ टू एड डिफरेंट शीट्स। ठीक है, यहाँ से आप साइज़ जो है वो व्यू जो है वो आप चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या जब आपने किसी शीट में कुछ काम किया तब उससे उसके क्लोज करने से पहले पहले आपने यहाँ से आपको आपने सेव करना होगा, ये आपने सेव कर दिया। ठीक है, जब मैं आपको अब यहाँ से ये कट कर दूंगा तो ये सेव होगा। ठीक है, ये हमारे पास वो ट्रायल वर्क। अच्छा अब यहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरह हम एडिशन इसमें करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, किस तरह करेंगे। सपोज़ आपके पास जो है वो इसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ 1, इसमें मैंने नंबर लिख रहा हूँ 3, तो ये आप किस तरह इसको, या इस तरह करेंगे पहले एक सेल में आपको मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूँ, तो किस तरह करेंगे आप पहले सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, तो किस तरह करेंगे? तो पहले आप इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 2, फिर उसके बाद प्लस और फिर 3 और एंटर।
जी आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। या अगर आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ रोज़ है तो उसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसको हम किस तरह करेंगे कि इज़ इक्वल टू लिखेंगे, फिर हम एक सेल को सेलेक्ट करेंगे कि इस सेल में जो डेटा है वो आप ऐड कर दें, सॉरी इज़ इक्वल टू के बाद इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद ये सेल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास जो दो सेल्स है वो ऐड हो गए, तो इसका ये फार्मूला जो है वो आपके पास सेव हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ मैंने यहाँ पे भी कुछ नंबर जो है वो लिख लिए, 5, 6, 3, 5, 2, 1 ये नंबर्स मैंने लिख लिए, तो अगर आप इस नंबर्स को भी ऐड करना चाहते हैं, क्या आप कह रहे हो कि या तो इस तरह करेंगे कि फिर इज़ इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, और पहले इस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसको उसके बाद एंटर करेंगे, तो इसकी बजाय ये कि हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि हर एक सेल को हम हर दो सेल को हम ऐड करें, तो अगर इसके बजाय हम एक सिंपल तरीका यूज़ करें तो सिंपल तरीका ये है कि यहाँ से जो प्लस निशान या देख लें, ये प्लस निशान और इस प्लस निशान में फ़र्क है, जब इस कॉर्नर पे आप रख देंगे ये माउस का जो कर्सर है तो इसका प्लस निशान जो है वो डिफरेंट आएगा, तो जब आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो या तो आप इसको डबल क्लिक करें या इसको ड्रैग कर दें, तो जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा जो डेटा है वो आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका ये हम एडिशन इस तरह करेंगे। अगर सपोज़ आपने जो एडिशन आपने की और सपोज़ ये एडिशन जो है मैंने गलत की है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जगह आप माइनस कर सकते हैं, माइनस या आप माइनस कर दें, सॉरी या माइनस कर दें और एंटर कर दें, तो ये जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा जो आपके पास जो टेबल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसकी एडिशन भी कर सकते हैं, इसकी डिवीजन भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें कर सकते हैं, और अगर आप इसकी अलग कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को इसमें कुछ मसला हो, कहाँ कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रही हो, तो मैं एनी टाइम आपको अवेलेबल हूँ, आप मेरे ऑफिस जो है वो विज़िट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा आपको, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपने ख़ुद करनी होगी, ये इस तरह नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको मसला ये है कि ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन में मसला आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें ये सॉफ्टवेयर जो है ख़ुद भी आपने कहीं रिसर्च करके ख़ुद भी आपने सीखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना होगा, जितना आप प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा करेंगे तो उतना जो है नो हाउ उस सॉफ्टवेयर से आपका वो ज़्यादा होगा, और अगर आप इस पर सिर्फ मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए फिर मुश्किल होगा कि किसी सॉफ्टवेयर को फिर आपने रन करना हो तो फिर वो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास है वो हम इसमें अबाउट एक्सेल में एक्सेल में जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ये जितने भी फंक्शन मैंने बताई आपको वो हम वन बाय वन हम इंशाल्लाह हम रिपीट करेंगे।